तो फाइनली दोस्तों एंड्रॉइड 14 का लेटेस्ट अपडेट जाकर के मोटरोला का एज 30 के अल्ट्रा डिवाइस पे आ चुका है। एंड आज के वीडियो में सारा चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से वर्जन आईडी है, कितना साइज है, किनको अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारा माल मसाला आपको आज के वीडियो में मिल जाएगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जब भी मैं आप लोगों की कॉमेंट्स पढ़ता हूँ वहां पे बस 1-2% कुछ नेगेटिव कॉमेंट्स आते हैं कि भाई तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन कैसे आ गया, भाई तुम जो जवाब दे रहे हो, तुम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो एकदम फेक गलत है और ऑफिशियली मोटोरोला की तरफ से कुछ अपडेट आए नहीं, बट तुम्हारे पास कैसे अपडेट है। तो उन सभी लोगों का देखो आंसर सिंपल सा है। देखो अगर आप मेरी चैनल को फॉलो करते हो, नहीं तो जाकर के मेरी पुरानी वीडियोस वगैरह देख लेना, मैं जब भी आपको डेट्स वगैरह बताता हूं एक्यूरेटली वो डेट वगैरह आ जाता है। जैसे कि मोटो एज 30 के ऊपर में जब मैंने पहले वीडियोस में बताया और उसी हिसाब से मैंने बताया था कि आपको अप्रैल महीने के एंड वीक में आपको देखने को मिलेगा। एंड जैसा कि आज की वीडियो में आपको सॉलिड प्रूफ देने वाला हूं कि क्या अपडेट आपको देखने मिला, तो आई होप कि इससे जो है डिटेल आपको क्लियर हो गया। एंड बाकी दोस्त रही बात इन्फॉर्मेशन कहां से मिलती है, देखो मोटोरोला के बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, फोरम्स होते हैं जहां पर लोग डिस्कस करते हैं, मोटोरोला के इंटरनल टीम वहां पे भी डिस्कशन करते हैं, यूजर्स वगैरह भी डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स से जहां पर कि यूजर्स अपना रिव्यूज प्रोवाइड करते हैं, वहां पे जाकर के रिसर्च करके मेहनत करके रात दिन लगा करके चीजों को पढ़ करके समझ करके जो भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होता है उसको निकाल करके आप लोगों के सामने मैं प्रोवाइड करता हूं। इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों से कहता हूं वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले, आप लोगों के लिए तगड़े वाले एक्यूरेट वाले इंफॉर्मेशन मैं हमेशा प्रोवाइड करते रहता हूं। बस आज की वीडियो में अब आगे चलते हैं, बाकी जवाब अब पूरा हो गया। आज वैसे शाम को मैं लाइव आने वाला हूं, तो अगर आपके पास में कोई भी डाउट है आज या फिर कल मैं लाइव आऊंगा, हो सकता है आज ही लाइव आऊंगा, तो अगर आपके पास में कोई भी डाउट्स वगैरह क्वेश्चन है तो उसका लाइव आंसर मैं प्रोवाइड करूंगा। तो बाकी गाइस जैसा कि यहां पे दोस्तों देख सकते हो यहां पे जो ना मोटोरोला का एज 30 अल्ट्रा डिवाइस के अंदर में आपको जो ना एंड्रॉइड 14 का लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिलेगा, जिसका न्यू वर्जन आईडी है दोस्तों 34.52-21-1-7। ये वाला आपको जो ना वर्जन आईडी देखने को मिलेगा, जिसका अपडेट साइज है 1.49 GB, तो काफी बड़ा साइज होगा। जब भी आप अपडेट करोगे दोस्तों आपको मेक श्योर करना कि वन टाइम में अपडेट करना, थुक 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 रुक रुक करके अपडेट नहीं करना, थोड़ा सा आज अपडेट कर लिया कल प्रॉब्लम आ जाता है, जो मैंने ऑलरेडी समझाया हूं, जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता होगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बन जाओ सब्सक्राइब करो, फ्री है दोस्तों, पटाक से क्लिक करो। तो यहां पे दोस्तों आपको जाकर के एंड्रॉइड 14 का जो ना लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेगा, यहां पे आपको एंड्रॉइड 14 का सारे फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको जो ना लेटेस्ट महीने का आपका जो ना सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिलेगा, जिससे आपका फोन जो ना पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। एंड मोटो एज 30 जो कि यू नो अल्ट्रा वाला सीरीज है, सिर्फ अल्ट्रा वाला पे आ रहा है, बाकी जो एज है प्रो वाला वर्जन उसके ऊपर सेपरेट वीडियो में पोस्ट करने वाला हूं, उस पे अपडेट आपको कब देखने को मिलेगा वो मैं आपको बहुत ही जल्द बताऊंगा। एंड ये अपडेट दोस्तों जाकर के यहां पे जाकर के कल ही ये अपडेट रिलीज हुआ है, जैसा कि यहां पे देख सकते हो एक यूजर ने हमसे शेयर किया है, तो यहां पे आपको जो ना सारा डिटेल मिल गया है। तो ये अपडेट देखो दोस्तों आपको किनको करना होगा, देखो अगर आपके पास में सिंगल डिवाइस है, सिर्फ एक ही डिवाइस से आप सारा काम करते हो, कॉल्स मल्टीमीडिया गेमिंग वगैरह करते हो, तो अभी आपको अपडेट नहीं करना है क्योंकि ये फर्स्ट वर्जन अभी अपडेट रिलीज किया गया है। हालांकि जो ना मोटोरोला इसको नहीं कहता है, मोटोरोला हमेशा स्टेबल वर्जन ही रिलीज करते हैं, बट अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो मैंने बहुत सारे यूजर्स को, आप मेरे चैनल को छोड़ो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पढ़ सकते हो, बहुत सारे यूजर्स को जाना ढेरों सारी प्रॉब्लम्स वगैरह आती रहती है, इसलिए मैं हमेशा यू नो सजेस्ट करता हूं कि आप अपडेट जैसे आता है आपको तुरंत आपको अपडेट नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना है, कुछ दिन आप वेट करो, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह इश्यूज रहता है मैं सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद अपडेट कर सकते हो, क्योंकि जब भी बग्स वगैरह आते हैं उसको फिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और मान लो कि अगर आप जो ना कैमरा ज्यादा यूज करते हो, अब मेनली वो पर्टिकुलर अपडेट में कैमरा का इशू आ रहा है, तो भाई आपका मतलब फोन ही खराब, मतलब बोलोगे भाई फोन खराब, आपका काम दिक्कत, मतलब एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। अब कोई लोग होते हैं गेम्स वगैरह ज्यादा खेलते हैं, तो भाई गेमिंग के टाइम में भाई साहब आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे फ्रेम ड्रॉप हो जाना, हीटिंग हो जाना, परफॉर्मेंस हो जाना, बैटरी ड्रेन हो जाना, जिससे आपका पूरा एक्सपीरियंस ही फोन करने यूज करने का यू नो खराब हो जाता है। इसलिए मैं बताता हूं मेरे अपडेट्स का वेट करो, आपको जैसे अपडेट कर देता हूं बग्स वगैरह जैसे फिक्स हो जाता है, जितने सारे प्लेटफॉर्म से सारा इंफॉर्मेशन जो रियल यूजर्स है उनसे मैं कलेक्ट करके लेके आता हूं, उसके बाद में जब इशू फिक्स हो जाता है तब आप अपडेट कर सकते हो, यानी प्राइमरी यूजर से तो अपडेट नहीं करना, बट हाँ ऐसे आपके पास में फोन पड़े हैं ज्यादा कुछ उतना इस्तेमाल नहीं करते हो, सिर्फ सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हो और चल जाएगा, थोड़ा वो दिक्कत वगैरह आएगा, बैटरी ड्रेन वगैरह सह लेंगे, थोड़ा बहुत कैमरा में इश्यू आएगा सह लेंगे, गेमिंग थोड़ा लैग करेगा सह लेंगे, तो आप अपडेट कर सकते हो। बाकी गाइस मैंने आपको सारा चीज बता दिया, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इसी बात पे। एंड गाइस अगर आपने अपडेट कर लिया मोटोरोला एज 30 अल्ट्रा के ऊपर में, तो अपना राय कमेंट रिव्यू वगैरह सब जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में, और हमारे लिए कुछ भी फीडबैक तो पुट इट डाउन इन द कमेंट्स, वीडियो को लाइक कर दो, एंड इंस्टाग्राम ट्विटर पे मुझे फॉलो नहीं करते लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड फॉलो, एंड आज शाम को लाइव करने वाला हूं तो जरूर ज्वाइन करना। बाकी मैं मिलता हूं गाइस आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।